हे गाइस, आई एम स्मिता सूर्यांश। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता सूर्यांश। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल वेल डूइंग। तो मैं आप लोगों से फर्स्ट शेयर कर चुकी हूँ अपनी डॉटर की सॉफ्ट एंड सैनी एंड ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि उससे पहले मैं क्या यूज़ करती हूँ एंड कैसे उसकी स्किन को सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाती हूँ। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि मैं अपनी बेबी को बात कैसे कराती हूँ। मैंने सुबह उसका मसाज कर दिया था एंड मसाज करने के बाद मैंने उसको सुला दिया था एंड सोने के बाद अब मैं उसको उठाने आई हूँ ताकि वो उठे एंड बात करे। सो मैंने उठा दिया है उसको एंड अब खेल रही है। थोड़ा खेल लेने देते क्योंकि सोने के बाद जस्ट नहीं नहलाते हैं। सो थोड़ी देर खेल ले वो, उसके बाद मैं उसको बात कराऊंगी। तो मैंने सोचा मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ एंड आज मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं बेबी को बात कराऊंगा। तो मैंने कहा ओके चलो कोई नहीं, ठीक है आप बात करा लीजिए। एंड वो फर्स्ट टाइम बात करा रहे हैं, सो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है कैसे क्या बात कराना है, बट कोई नहीं देख। सो देखती हूँ फर्स्ट टाइम बात करा रहे हैं कैसे बात कराते हैं कैसे नहीं कराते हैं। इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि अभी तक मैं ही उसको बात कराती आई थी एंड अभी तक मैं क्या अभी घर पर थी तो उसकी नानी उसको बात कराती थी एंड अब मैं कराती हूँ। तो देखती हूँ आज फर्स्ट टाइम वो कैसे बात कराते हैं उसके डैडी उसको। एंड अभी वो खेल रही है थोड़ा सा एंड मैंने आज अपने रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग की थी तो मैंने बेडशीट वगैरह वॉश करी थी एंड सेकंड बेडशीट नहीं लगाई थी क्योंकि ये मैडम सो रही थी इस वजह से। तो मैंने कहा चलो सो लेते हैं, जब सो के उठेंगे तो मैं सेकंड बेडशीट लगा दूंगी। एंड अभी मैट्रेस ऐसा ही है। एंड मेरी एक व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बोला है मेरे से कि मैम प्लीज़ बेबी मसाज का एक वीडियो शेयर कीजिए। तो मैं उन्हें बता देती हूँ, मैं उनसे बोल भी चुकी हूँ कि मैं शेयर करूँगी बट उन्हें वेट नहीं हो रहा, बोल रही मैम कब करेंगे बता दीजिएगा। तो मैं उन्हें बता देती हूँ मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। सो क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। एंड जब फ्री होंगी, फ्री क्या मैं डेली मसाज करती हूँ बट मैं सोच रही हूँ कि मैं एक दो दिन में शूट कर दूँ एंड आप से शेयर कर दूँ। आई थिंक मेरी उस वीडियो का आप वेट कर रही हैं, वेट कीजिएगा जल्द ही वो वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगी। एंड मेरी बेबी उठ चुकी है, खेल रही है एंड जा रही है उसको बात के लिए। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डूइंग कमेंट्स एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। एंड प्लीज़ कोई बैड कमेंट मत करना, जो लोग बैड कमेंट करते हैं प्लीज़। एंड डिसलाइक भी मत कीजिए, अगर आप प्लीज़ लाइक नहीं कर सकते तो प्लीज़ डिसलाइक मत करिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। सो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैडम मैडम जी को उठा दिया है, मैडम क्या कर रही हैं इस टाइम। सो देखिएगा एंड खेलने में मस्त है। सो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर और खेल लें ताकि इनकी बॉडी जो है ना एकदम अच्छे से सही हो जाए। सो के उठते हैं तुरंत नींद आते हैं कि बाई चांस अगर तबियत वगैरह ख़राब हो जाए तो इसलिए। तो देखो देखो कहाँ जा रही हैं, ये देखो आना कम यार आना कुंडू 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 आना कुंडू 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 अपने में ही मस्त है। इन्हें इनका फ़ोन मिल गया है तो ये अपने फ़ोन में बिजी है। सो देखिए क्या कर रही है मैडम। लुक एट मी, व्हाट आर यू डूइंग? से टू हेलो, से टू हेलो एवरीवन, से टू हेलो एवरीवन। ये देखो ये अपनी मसाज करा के जस्ट अभी सो के उठी हैं। सो देखो अपने फ़ोन में लगी पड़ी हैं। इनसे बोला था से टू हेलो एवरीवन बट इन्होंने हेलो नहीं बोला था, इन्होंने हाथ जोड़े थे। इनफैक्ट ये राम राम एंड राधे राधे करती हैं तो इन्होंने हेलो ना बोल के राम राम एंड राधे राधे आप लोगों से की है। काफ़ी अच्छी बच्ची है, हमेशा सर किसी से राधे राधे एंड राम राम। सो आई होप आप लोगों ने देख लिया मैडम जी क्या करें। मैडम जी इस टाइम खेलने में बिजी है बट कोई नहीं, इनके पापा नहलाते हैं। सो आप ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करती हूँ। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोगों को सारे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके एंड आप लोग मेरी वीडियोस को टाइम से देख सके। आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अब ज्यादा नहीं वेस्ट करती हूँ, सीधा वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अब चलती हूँ। हाँ एक मैं चीज बता देती हूँ, मटर को गर्म करती हूँ, उसमें नीम की पत्ती डालती हूँ एंड गुलाब की पत्ती डालती हूँ। अदर फूल के अगर मिल जाते तो वो भी डाल देती हूँ, अगर नहीं अवेलेबल है तो आपके पास तो प्लीज़ आप नीम की पत्ती डाल के बच्चों को नहलाइएगा। एंड आपको पता है वायरस सिस्टम कितना ज़्यादा फैला तो नीम की पत्ती डाल के बच्चों को नहलाइए। एंड अगर गुलाब के फूल मिल जाते तो और अच्छी बात है, उसकी स्किन एकदम और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो प्लीज़ अगर गुलाब के फूल मिलते तो गुलाब के फूल डालिएगा एंड नीम की पत्ती डालिएगा। इन दोनों चीज़ों को डाल के पानी को गर्म कर लीजिएगा। पानी को गर्म करने उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालिएगा एंड वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, दिखा दूँगी वीडियो को। मैंने पानी गर्म किया उसका मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी एंड जो मैं दूध मिक्स कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दूध ले सकते हैं। दूध डालने के बाद बेबी को उसमें नहलाइएगा एंड मैं मोम्सको यूज़ करती हूँ तो मोम्सको के मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आप लोगों को मोम्सको के मेरा वीडियो देखना है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ बाय भी कर लीजिएगा, लिंक आप लोगों को बाय डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो
चलिए चलते हैं। फाइनली गाइज ये है मेरा वाटर जो मैंने बेबी वॉश के लिए रेडी किया है अपनी बेबी को नहलाने के लिए। तो मैंने वाटर को बॉयल किया था, उसमें गुलाब डाले थे एंड उसमें ये वाइट वाले जो फूल है ये डाले थे एंड नीम की पत्ती भी डाल के बॉयल किया था एंड उसको बाहर निकाल दिया है। बेबी बॉस उठाओ ना, इस डाल के बॉयल किया था पानी में उन रोसेस को एंड नीम की पत्ती को और जो फूल थे उनको मैंने बाहर निकाल दिया एंड जो फूल लाए थे मेरे हस्बैंड उनको मैंने बचा के रखा हुआ था, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा फ्रिज में रख दिए थे उन फ्लावर्स को। इसमें अच्छे से रब करो। गुड, इसको बाथरूम में नहीं यहाँ बाहर। बिटिया मेरी नहीं नहीं, बैठो बैठो, सिट बाबू, आना सिट। यस, हैंड अच्छे से क्लीन करो इसके। आइस इसकी सही से क्लीन करो ना, उसके काजल लगा हुआ है। नो नो आना नो, श्रेयांशी श्रेयांशी, पापा ने ऐसे निला दिया है, काजल ने साफ किया ना, कितना सही से निलाओ। मजा आ गया नहाने में, नहाने में मजा आ गया। वीडियो का वीडियो के स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड ने उसमें मिल्क भी थोड़ा सा ऐड किया था, तो आप भी मिल्क ऐड कर सकते हैं। नीचे बैठो, पैर अच्छे से साफ करो इसके। एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी बॉटर को कैसे रेडी करना है, तो आप लोग देख लेना, मैं ऐड करना भूल गई, मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी वीडियो को। सो यहाँ पे मेरे हस्बैंड देखे फ्लावर्स को तोड़। मैं तो सोचूं शायद मेरे मिस्टर हबी जो है ना शायद अच्छे से नहीं नहला पाएंगे, बट उन्होंने इतने अच्छे से नहलाया। सच बताऊं तो बहुत अच्छे डैडी हैं आना के, पूरा ध्यान रखते, बहुत केयर करते, बहुत अच्छे से नहलाया। बाबू श्रेया आहाना आहाना, श्रेयांशी श्रेयांशी लुक एट मी। आपको बता रहे हैं कि ऐसे ना लाइए, ये यूज कीजिए, यहाँ पे स्क्रीन कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, फेस वॉश कीजिए, हैंड वॉश कीजिए। तो इस वजह से वो ऐसे ही नहलाते जा रहे थे, नहीं पता था कि आप डेली नहलाते रहते, पता होता है वो। आपको बता दूँ फर्स्ट टाइम नहला रहे एंड आना जब डर लगती थी तब वो अपने किसी काम की वजह से बाहर गए थे एंड खाना ने जब 6 महीने कंप्लीट कर लिए वापस। सो आई होप आपने देख लिया कि मैं अपने बेबी को डेली बहुत कैसे कराती हूँ। सो प्लीज़ बच्चे का ध्यान रखिए, उसके स्किन का बहुत ध्यान रखिए। सो थैंक यू।